दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये लड़का रोज़ वहाँ से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाकया की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि वो जब भी कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर खामोश के अंदर ये कुत्ते इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही है। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं, लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने कब्र को खोला तो उसके अंदर उन्हें क्या मिला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, गांव की पंचायत में बड़े आलिमों और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले तो गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा, उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान कर दिया तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोल कर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुँच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया तो वो कुत्ते
जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसे सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रही है। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ पर मौजूद थे, यानी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि मरने के सिर्फ 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं ये जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी क्या वजह है, तो वो शख्स कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो मेरी माँ को भी गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता रहता था। और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा था और हम ये जानते हैं कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाकया के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि शराब नशा कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीने इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर और इसे पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।